खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि अजमे इस्तेहकाम नया फलसफा नहीं नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। अवाम को फौज पर एतमाद करके फौज के साथ खड़ा होना होगा। ऑपरेशन में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग, कहा कि फौज ने ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा। ऑपरेशन सिर्फ इन इलाकों में होंगे जहां दहशतगर्द होंगे। फौज रियासत नहीं, इसका हिस्सा है। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी संभाले, हमें चौकियों पर बैठने का शौक नहीं। पाक फौज उम्मत मुस्लिमा की मजबूत और बहादुर फौज है। ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम नेशनल प्लान का हिस्सा। ऑपरेशन में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, सिक्योरिटी हुकाम ने वाजी कर दिया। पेशावर में सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क में अदालती निज़ाम इंतहाई कमजोर और सुस्त है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में सजाएं देने की रफ्तार इंतहाई कम है। मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं तेज रफ्तारी और इंसाफ पर मबनी होती हैं। हुकाम का कहना था कि अवाम को फौज पर एतमाद करके फौज के साथ खड़ा होना होगा। फौज रियासत नहीं, इसका हिस्सा है। पुलिस जिम्मेदारी संभाले, हमें चौकियों पर बैठने का शौक नहीं। हुकाम ने कहा सिविल इदारों और पुलिस में पोस्टें बिकती हैं। कौम को पता होना चाहिए कि पोस्टें कौन खरीदता है और मकासद क्या हैं। सीडीडी की कारकर्दगी सुस्त रवि का शिकार है। सिविल इदारे और हुकूमतों को कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। हुकाम का कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम माशी बेहतरी के बगैर मुमकिन नहीं। फौज को कमजोर करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान को इराक, लीबिया और शाम बनाना चाहती हैं। क्रिमिनल और स्मगलिंग माफिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। 2024 में 22,714 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। पाक फौज के 111 जवान शहीद हुए, 163 दहशतगर्द मारे गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।